तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है एफ लॉ एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है आज का हमारा क्या, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके, इसके पश्चात हम एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स लाइक एज हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, कार्बोनेट्स, इनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखो बच्चों, एल्कली मेटल्स जो हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। मींस पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स यही होते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो इनकी साइज बड़ी है, मतलब एटॉमिक साइज बड़ा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये एक इनर्ट गैस कोर अचीव कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इनको क्या बनाते हैं, रिएक्टिव बनाते हैं। यही लिखा है कि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये इनका रिएक्टिविटी का रीजन है। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ये लिथियम से लेके सीजियम तक लगातार बढ़ेगा। इसका रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आप लिथियम से लेके सीजियम तक चलें तो एक तो साइज बढ़ती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और इस तरह से जब ये दोनों फैक्टर्स फेवरेबल होते जाएंगे ग्रुप में नीचे की तरफ, तो इनकी रिएक्टिविटी लगातार क्या है, बढ़ती जाती है। आप देखते हैं इन मेटल्स को हम खुला नहीं रख सकते, क्योंकि ये तुरंत एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए किस में रखा जाता है, कैरोसिन। समझ गए ना कि इनको किस में प्रोटेक्ट करते हैं, कैरोसिन में। लिथियम चूंकि इसकी डेंसिटी कैरोसिन से कम है, इसलिए ये लिथियम कैरोसिन में फ्लोट करता है, तो इसको जो है पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। बाकी सब मेटल्स को इसमें रखते हैं, ठीक है, कैरोसिन। तो इनका प्रोटेक्शन कैरोसिन में किया जाता है। ओके, फिर आते हैं इनकी कुछ रिएक्टिविटी देखते हैं। जैसे फर्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। तो अगर इन एलिमेंट्स को एयर में रखा जाए तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा अगर एक्सेस में क्या रखा जाए, ऑक्सीजन, तो इनके और भी ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड। तो अगर हम एक नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स इसका फॉर्मेशन करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन। समझे ना कि अगर एक नॉर्मल कंडीशन ली जाए, नॉर्मल एटीएम प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये सभी बनाते हैं लिथियम से लेके सीजियम तक, और ये फॉर्मूला होगा M2O। अगर ऑक्सीजन को एक्सेस में कर दिया जाए, ठीक है, और हीट किया जाए, तो फिर ये जो है एलिमेंट्स और भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि परऑक्साइड M2O2 टाइप का, जिसमें इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें -2 थी और इसमें -1/2 है, तो ये परऑक्साइड बनाते हैं। और ये लिथियम से सीजियम तक, लिथियम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन की कंडीशन में ही बनाता है परऑक्साइड। नॉर्मली ये हीट किया जाए ऑक्सीजन के साथ तो ये परऑक्साइड ऐसे इजी नहीं बनाता, ये तभी बनता है जब ऑक्सीजन को बहुत ही एक्सेस में लिया जाए। बाकी मेंबर सोडियम से लेकर सीजियम तक बहुत ही इजी गोइंग परऑक्साइड बना लेते हैं। अब आते हैं सुपरऑक्साइड। तो सुपरऑक्साइड जो है लिथियम को छोड़कर बाकी मेंबर्स बनाते हैं, और इसमें सोडियम केवल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट एक्सेस में जब ऑक्सीजन ली जाती है तभी बनाता है। तो इस तरह से 3 टाइप्स के इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जो नॉर्मल ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन 2- के फॉर्म में है, परऑक्साइड में -1 है, और सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी एम तो सब में +1 में ही है। अब देखो लिथियम परऑक्साइड Li2O2 फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में अगर सोडियम परऑक्साइड बनता है तो उस कंडीशन में लिथियम परऑक्साइड नहीं बनता, बहुत ही एक्सेस में लेना होता है। ऐसे NO2 भी नॉर्मली नहीं बनता, इसके लिए भी हमें ऑक्सीजन बहुत एक्सेस में लेना होता है। बाकी पोटेशियम है ना, रुबिडियम, सीजियम बहुत आसानी से सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं।
इस ग्रुप में केवल लिथियम ही है जो नाइट्रोजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी मेंबर इस तरह का नाइट्राइड नहीं बनाते। बात क्लियर है? मतलब इस ग्रुप में केवल और केवल नाइट्रोजन का ही नाइट्राइड लिथियम का ही नाइट्राइड पॉसिबल है, बाकी मेंबर इस तरह का कोई नाइट्राइड नहीं बनाते। और अगर मान लो लिथियम और सोडियम के परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड की बात करें तो ये केवल एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में ही पॉसिबल होता है। तो ये है इनके कुछ ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। अच्छा, ये ऑक्साइड की, पहले हम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, कि इन ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या क्या बनेगा। ओके, ठीक है, पहले हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ वाटर विद ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, फिर मेटल्स के बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो या नॉर्मल ऑक्साइड हो, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना। ओके, अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो केवल स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, मीन्स ये आयोनाइज्ड होते हैं और M प्लस और प्लस ओ एच माइनस, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। अगर हम परऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो बनता है बेस, और इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और सुपर ऑक्साइड का अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके रिएक्शन से बनता है बेस, तो बनेगा ही बनेगा, प्लस परऑक्साइड, और प्लस क्या लिब्रेट होती है बच्चों, ऑक्सीजन। समझ गए ना? तो इस तरह से, तो ये ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, फिर से सुने, नॉर्मल ऑक्साइड से केवल हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन भी लिब्रेट होती है। ऑक्साइड और परऑक्साइड ये जो है कलरलेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है ना, ये कलर्ड होते हैं बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इनमें स्ट्रक्चर देखो, कि अगर मैं इन तीनों ऑक्साइड की बात करूं, तो जो परऑक्साइड होगा है ना, नॉर्मल ऑक्साइड, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और कुल मिला के यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है दो इलेक्ट्रॉन का इस तरह से, तो वो भी पेयर्ड है। अगर हम परऑक्साइड की बात करें तो इसमें हर एक ऑक्सीजन में एक एक निगेटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, परऑक्साइड। लेकिन अगर आप सुपर ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा दोनों ऑक्सीजन में, और यही ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, यही ऑक्सीजन, मतलब कहें कि इस परऑक्साइड को कलर प्रोवाइड कराता है, और इसी के कारण ये जो ऑक्सीजन है, मतलब जो ये है, मतलब जो सुपर ऑक्साइड आइन है, ये पैरा मैग्नेटिक होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, और दूसरा है इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ही ये पैरामैग्नेटिक। बाकी जो ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, ये कलरलेस है, डायमैग्नेटिक है, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं दिखता, और ये सभी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर नॉर्मल ऑक्साइड से परऑक्साइड तक बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है, परसेंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में और पर ऑक्साइड। एक तो कलर नेचर पूछ लिया जाता है, कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है और इनके क्या प्रोडक्ट्स, ओके। फिर हम आ जाते हैं इनके हाइड्रोक्साइड, तो देखो बच्चों, इनके जो हाइड्रोक्साइड है उनका फॉर्मूला होता है MOH, नेचर में ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जितने भी ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, पर ऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड जरूर बनता है। और अगर आप इनकी बेसिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी, अगर इन सब को देखना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर या साइज ऑफ मेटल आयन। जितना बड़ा मेटल आयन उतना ही ज़्यादा इनमें बेसिसिटी, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ जाएगा। आयनिक नेचर हम जानते हैं कि अगर हमें किसी का आयनिक नेचर देखना है, ठीक है, तो साइज ऑफ
कैटायन देखें और साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। एनायन जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा आयनिक नेचर होगा, कैटायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा। तो यहाँ पर एनायन तो फिक्स है OH-, तो केवल आप देख रहे हैं कि लिथियम से सीजियम तक लगातार कैटायन का साइज बढ़ रहा है, और यही रीजन है कि आयनिक नेचर बढ़ेगा। और आयनिक नेचर के ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बेसिसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, स्टेबिलिटी हो, और अगर हम एल्कली मेटल्स के कोई भी कंपाउंड की बात करें और उसकी सॉलिबिलिटी, तो ये भी आयनिक नेचर के डायरेक्टली। इस तरह से ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉलिबिलिटी इस तरह से बढ़ती है। ओके, तो ये थे हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं रिएक्शन टूवर्ड्स वाटर, मतलब इन मेटल्स की वाटर के प्रति रिएक्शन क्या होगी। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, और अगर इन्हें वाटर में रखा जाए तो वाटर का H प्लस और इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, मींस ये जब रिड्यूस करते हैं तो ये इस तरह से, और H प्लस वाटर का, तब ये बन जाते हैं प्लस, और प्लस क्या, हाफ H2। और ये जो है प्लस, यही वाटर के OH को एक्सेप्ट करके, मतलब ये प्लस प्लस OH माइनस, तब बन जाता है क्या, MOH। तो इस तरह से ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, चाहे कोई भी मतलब मेटल ले लें, चाहे लिथियम से लेके सीजियम तक, तो सभी वाटर से रिएक्शन करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही उन्हें एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस तरह रिएक्शन। अब इनकी रिएक्टिविटी देखनी है, तो देखो बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर में अगर हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उतनी ही कम रिएक्टिविटी वाटर के प्रति होती है इनकी। तो इसका मतलब है कि लिथियम सबसे मोस्ट, ठीक है, लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई जी रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, हम इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ गया ना। तो जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उतना ही ज्यादा ये उतने ही कम वाटर के प्रति रिएक्टिव होते। तो लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव -3.05, तो इसका मतलब है लिथियम की वाटर के साथ स्लो रेट से रिएक्शन होगी। और अगर हम सोडियम की बात करें तो हैज लीस्ट नेगेटिव -2.72, मतलब इस ग्रुप में, तो इसका मतलब है सोडियम सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, और इतनी फास्ट होती है कि एक्सप्लोसिव हो जाती है। बट लिथियम बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, और जब वाटर को हम वाटर में सोडियम रखते हैं तो एकदम से आग लगती है। इसका रीजन होता है कि ये हाइड्रोजन लिबरेट होती है, और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है ये, प्लस हीट, इसमें हीट और रिलीज होती है, और इसी हीट के थ्रू जो है ना हाइड्रोजन जलने लगता है। और यही कारण है कि सोडियम को अगर हम वाटर में रखते हैं तो एक प्रकार का एक्सप्लोजन होता है, आग लग जाती है। वो रीजन यही है कि सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, हीट निकली, और वो हीट हाइड्रोजन जो निकल रही है उसको जला देता है, जिसके कारण ही आग लगती है। और इस ग्रुप में लिथियम की बात करें तो ये स्लो रिएक्शन करेगा, बाकी मेंबर्स के लगभग जो है पोटेशियम से लेके सीजियम तक चलें तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग सेम है, -2.93, तो एक सी रिएक्शन। ओके, इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड्स रखें जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे अमोनिया में है, मतलब जिनमें एच प्लस होता है, प्रोटोन की तरह हाइड्रोजन होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे अल्कोहल में OH का H प्लस है, हैलोजन एसिड में H प्लस है, कार्बोक्सिलिक एसिड में H प्लस है, फिनोल में भी H प्लस है। तो इनके पास जिनमें अगर H पॉजिटिव है, मतलब एसिडिक नेचर का है, तो इन मेटल, ये मेटल उनमें से हाइड्रोजन को इस तरह से H प्लस को H2 के फॉर्म में लिबरेट कर देते हैं, समझ गए ना। तो ये फिनॉल के साथ भी होगी, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, अमोनिया ले लो, हैलोजन एसिड्स ले लो, इन सब में एल्कली मेटल्स इस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं, क्योंकि इनमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है। ये तो था विद वाटर के साथ, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है सबसे फास्ट रिएक्शन सोडियम के साथ। फिर हम आते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, ये जो मेटल्स हैं है ना, ये सभी के सभी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, और डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, और इनका जो हाइड्राइड बनता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MH, M प्लस और H माइनस। ओके, और ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है, मींस ये जो बना ये हाइड्राइड,
तो आयनिक नेचर का होता है ये, ठीक है। और ये रिएक्शन सोडियम से लेके सीजियम तक डायरेक्ट होती है और टेम्परेचर होता है 673 केल्विन के अप्रोक्सीमेट। लेकिन लिथियम के साथ यही रिएक्शन थोड़ा हाई टेम्परेचर में होगी, 1073 केल्विन। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स मेटल्स हाइड्रोजन के साथ MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन H माइनस हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, ठीक है। ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड एंड गिव H2 एट एनोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कि अगर इन हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए फ्यूज्ड स्टेट में, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं हाइड्राइड का H माइनस के फॉर्म में है, इसलिए ये एनोड में ऑक्सीडाइज होगा जाके और वहां पर हाइड्रोजन लिब्रेट होगी और कैथोड में मिलता है क्या, मेटल। अगर इन हाइड्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो इनमें हाइड्रोजन लिब्रेट होगी, क्योंकि H माइनस हाइड्राइड का और वाटर का H प्लस मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, H2। तो इस तरह से ये सभी हाइड्राइड आयनिक नेचर के हैं। लिथियम में कुछ कोवलेंट नेचर भी होता है। और अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है H माइनस के फॉर्म में सबसे छोटा एनायन है और छोटा एनायन बड़े एनायन के साथ, बड़े कैटायन के साथ ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। मतलब होता है छोटा एनायन छोटा कैटायन तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है, जबकि बड़ा कैटायन और छोटा एनायन होते स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और यही रीज़न है कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम यहाँ देखें तो ये लगातार डिक्रीज होती जा रही है, मीन्स लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एम प्लस, जितना बड़ा एम उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग। बट स्टेबिलिटी की बात थोड़ा अलग है हाइड्रोजन में, क्योंकि ये हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो है बहुत छोटा एनायन बनाता है जो बड़े कैटायन के साथ ज़्यादा स्टेबल नहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, समझिए ना, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी। ये हाइड्राइड की स्टेबिलिटी हर एक ग्रुप में सेम इसी तरह दिखेगी। आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चले जाएंगे तो भी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ग्रुप में डिक्रीज होगी। पी ब्लॉक में चले जाएं तो जितने भी हाइड्राइड्स होंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में डिक्रीज होगी। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हाइड्राइड छोटा एनायन है और बड़े कैटायन के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं करता। ओके, यहाँ तक बात होगी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, मीन्स हैलाइड्स का फॉर्मेशन। तो इनके जो हैलाइड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है MX प्लस और X माइनस। तो ये जो हैलाइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट, इन पर किसी पर भी हैलोजन एसिड की अगर रिएक्शन करा दी जाए तो बनते हैं हैलाइड्स, MX टाइप के हैलाइड्स बनेंगे। इसके अलावा इनमें जो है हीट लिब्रेट होती है। तो यहाँ पर और बता दूँ, डेल्टा एच है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, ये हमेशा निगेटिव होती है। मतलब कोई भी हैलाइड बनता है चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसमें हीट लिब्रेट होती है और इनकी जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है, मतलब फॉर्मिंग निगेटिव, ये जो है ये कहलाएगी, ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ हैलाइड्स मींस MX, ठीक है। तो ये कह रहा है ये निगेटिव है। अब आता है कि अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड्स जितने भी हैं इनकी जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है वो साइज ऑफ मेटल के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है। बात क्लियर है कि अगर हम मेटल का साइज डिक्रीज, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो LIF सबसे ज़्यादा, फिर NAF, फिर KF और इस तरह से RBF, ये डिक्रीज होगी इनका डेल्टा HF स्टैंडर्ड। ये सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड के लिए हो, फिर लगातार ये क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि रीज़न है इनका कि कैटाइन छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इस तरह से। ये फ्लोराइड के साथ समझिए ना कि जितने भी फ्लोराइड हैं इनकी जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है वो मेटल आयन मीन्स लिथियम से लेकर सीजियम फ्लोराइड तक लगातार घटती है। बट अगर हम हैलाइड और भी दूसरे की बात करें कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है, तो इनकी जो ये फॉर्मेशन इंथैल्पी है वो साइज ऑफ एम के साथ बढ़ रही है। मीन्स LiCl इससे ज़्यादा NaCl, इससे ज़्यादा KCl, इससे
इससे ज़्यादा RBCL और इससे ज़्यादा CSCL, क्योंकि यहाँ एकदम आयनिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनके रिस्पेक्ट में पूछी गई है, तो ध्यान रखें जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो मेटल्स की साइज बढ़ने के साथ बढ़ रही है, जबकि फ्लोराइड में इसका उल्टा रीजन है। लिथियम का बहुत छोटा साइज और हाई पॉलीराइजेशन पावर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर इसको ऐसा एबनॉर्मल बना देते हैं। बाकी हैलाइड में इस तरह आयनिक नेचर के साथ फॉर्मेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड में सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन एंथैल्पी किसके लिए होगी, तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स में ही होगी, क्लोराइड्स में, ब्रोमाइड्स में और आयोडाइड। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, ये है लिथियम क्लोराइड, ये है लिथियम ब्रोमाइड और ये है लिथियम आयोडाइड, या हम ये कहें NaF, ठीक है, NaCl, ठीक है, NaBr और NaI। तो ध्यान रखें कि चाहे क्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फॉर्मेशन एंथैल्पी फ्लोरीन मतलब हैलोजन, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा HF है ना, डेल्टा HF स्टैंडर्ड, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन या हैलाइड। तो जितना बड़ा हैलोजन होगा उतना ही कम चेंज हो रहा है हैलोजन के रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि हैलोजन के रिस्पेक्ट में, फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में, अदर हैलोजन के, तो यहाँ दोनों में मतलब फ्लोराइड और ये जो ऊपर दिखा रखे हैं, यहाँ केवल मेटल आयन को लिया गया है और यहाँ पर हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में फॉर्मेशन एंथैल्पी देख रहे हैं। अब आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, आयनिक नेचर। तो ये सब जो है बच्चों, ठीक है, साइज ऑफ मेटल आयन के साथ जो है, जैसे जैसे मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर। आयनिक नेचर ज़्यादा है मीन्स कैटाइन बड़ा और एनाइन छोटा हो, हैलाइड छोटा हो, तो आयनिक नेचर ज़्यादा होगा और ऐसे में इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी सब ये इस ऑर्डर में चेंज होंगे। चाहे हम लिथियम से लेकर सीजियम तक चलें, तो कैटाइन बढ़ रहा है तो ये आयनिक नेचर बढ़ेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो हैलोजन छोटा तो आयनिक नेचर ज़्यादा, तो ये सारी प्रॉपर्टी ज़्यादा। लिथियम हैलाइड ऑफ लिथियम मतलब क्लोराइड से आयोडाइड तक ये कोवेलेंट नेचर ज़्यादा रखते हैं, मतलब ये होते हैं कोवेलेंट नेचर के, और यही रीज़न है कि ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज एसीटोन, पिरिडीन, बेंजीन, इनमें सॉल्युबल होते हैं। बट अदर हैलाइड्स केवल वाटर में सॉल्युबल है, वो इस तरह से सॉल्युबल नहीं है। लिथियम क्लोराइड लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटेज एनर्जी देन हाइड्रेशन एनर्जी, कि इनमें जो है लिथियम फ्लोराइड की लैटेज एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही रीजन है कि इसकी लैटेज एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट नहीं करती, जिसके कारण ये सॉल्युबल नहीं है। और सीजियम आयोडाइड की लेस सॉल्युबिलिटी का रीज़न है इसमें कोवेलेंट नेचर, हैलाइड आयन बहुत बड़ा हो गया, ऐसे में उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और कोवेलेंट नेचर आ जाता है, जिसके कारण ही ऐसा इफेक्ट आया। तो ये है इस तरह से इनकी सॉलिबिलिटी। अब आता है स्टेबिलिटी। सॉलिबिलिटी में बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप सॉलिबिलिटी में देखोगे, ठीक है, तो फ्लोराइड्स में अगर हम देखें, है ना, तो फ्लोराइड में तो लिथियम फ्लोराइड इससे ज़्यादा NaF, इससे ज़्यादा KF, इससे ज़्यादा RbF और इससे ज़्यादा CsF, ये सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर हम अदर हैलोजेंस में लें, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड के रिस्पेक्ट में लें, तो आपको ध्यान रखना है सॉलिबिलिटी जो है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल। ऐसे ध्यान रखना है कि अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये बड़े एनाइन होते हैं, तो लैटिस एनर्जी केवल एनाइन पे डिपेंड हो जाती है, और ऊपर से नीचे अगर हम सेम हैलाइड लेके चलेंगे तो केवल हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण ही इनकी सॉलिबिलिटी, मतलब यहाँ जो लैटिस एनर्जी है इनका रीजन क्या है यहाँ पे, तो अगर ये जो बड़े साइज के, ये लार्ज क्या है बच्चों, लार्ज एनाइन, तो लार्ज एनाइन में क्या होता है कि जो लैटिस एनर्जी है वो तो वन अपॉन किस पर डिपेंड हो जाती है, आर माइनस,
और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो केवल कैटाइन पे साइज होगी। तो जैसे जैसे कैटाइन की साइज बढ़ेगी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो सॉलिबिलिटी है बच्चों वो भी क्या होने लगती है, डिक्रीज। इतना सा ध्यान रखना कि फ्लोराइड में तो सीधा रूल लगेगा कि ग्रुप में नीचे की तरफ जैसे जैसे आयनिक नेचर बढ़ रहा है सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये काफ़ी बड़े साइज के एनायन होते हैं और ऐसे में सॉलिबिलिटी मेटल आयन के साइज बढ़ने से डिक्रीज होगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साइज एनायन बड़ा हो तो लैटेज एनर्जी एनायन पे डिपेंड हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन पर, क्योंकि यहाँ पर आर माइनस, अगर हम एक सेम हैलाइड लेके चलेंगे तो आर माइनस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो लैटेज एनर्जी भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी एम की साइज बढ़ने से जैसे जैसे मेटल बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, घटेगी और सॉलिबिलिटी भी क्या होने लगेगी, घटेगी। यही रीजन है कि अगर आपको कहा जाए कि LiCl फिर NaCl, ठीक है, KCl, RbCl, इस तरह से, तो ये आपको सॉलिबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। यही ब्रोमाइड में यही आयोडाइड, ये मैंने इनकी सॉलिबिलिटी भी बता दी। तो इस तरह से ये हैलाइड्स के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आते हैं इनके कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स। तो बाइकार्बोनेट तो होते हैं MHCO3 टाइप के, कार्बोनेट्स M2CO3 टाइप के, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट होगा इनका क्या, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा M2SO4, और नाइट्रेट होंगे MnO3। केवल लिथियम नाइट्रेट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट बट अदर सॉलिड, मतलब लिथियम बाइकार्बोनेट, मतलब LiHCO3 एग्जिस्ट इन ओनली सॉल्यूशन स्टेट, मतलब और बाकी सब क्या है, अदर कार्बोनेट सॉलिड होते हैं और इनको हीट किया जाए तो ये कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। मतलब चाहे लिथियम से लेके और किसी भी बाइकार्बोनेट की बात करें तो सबको हीट करें तो ये कार्बोनेट में चेंज होते हैं। केवल लिथियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन स्टेट में मिलता है, बाकी सब सॉलिड है। अब आते हैं कि कार्बोनेट, तो कार्बोनेट सब सॉलिड है, ठीक है, कि मतलब जितने भी M2CO3 हैं ये सब सॉलिड है और इनको हीट किया जाए केवल लिथियम को छोड़कर किसी का भी, मतलब Na से लेके सीजियम कार्बोनेट तक किसी को भी आप हीट कर दो, ठीक है, किसी को भी हम इसको हीट कर दें तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, सॉरी इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। केवल लिथियम कार्बोनेट जो है वो अगर हीट कर देते हैं तब ये डिकम्पोज होता है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। बाकी कोई भी कार्बोनेट, मतलब सोडियम से लेके सीजियम तक किसी का भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, सारे कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि नाइट्रेट की बात करें तो अगर हम इनके नाइट्रेट को हीट करें तो ये डिकम्पोज होके NaNO2 में चेंज होते हैं, लेकिन और O2 लिबरेट करते हैं, लेकिन अगर हम लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो ये ऑक्साइड में चेंज होता है, ये भी कोवेलेंट नेचर का रीजन है। फिर से ध्यान से सुने, मतलब लिथियम के नाइट्रेट को छोड़कर भी किसी भी का नाइट्रेट आप हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड में चेंज होता है, NO2 लिबरेट करता है, इसके अलावा ऑक्सीजन, बात समझ गए। लिथियम कार्बोनेट केवल डिकम्पोज होता है, बाकी किसी का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, चाहे आप रेड हॉट कर दो उनको, गर्म कर दो, और बाइकार्बोनेट सभी डिकम्पोज होते हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, इस तरह से। अब हम इनकी अगर मान लो बाइकार्बोनेट से की बात करें कि लिथियम बाइकार्बोनेट से सीजियम बाइकार्बोनेट तक, या M2CO3 में कार्बोनेट का लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट तक, या सल्फेट या नाइट्रेट, इन किसी का भी अगर हम ऑर्डर देखें मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का, तो ये सब ग्रुप में नीचे की तरफ क्या होते जाते हैं बच्चों, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि इन सब में अगर आप देखोगे कि इस तरह से चलोगे तो इनमें आयनिक नेचर बढ़ेगा, ये इंक्रीज होता जाता है, और यही रीजन है कि ये लगातार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब नीचे की तरफ क्या है, बढ़ेंगे। और लैटेज एनर्जी से ज़्यादा बढ़ती है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके कारण ही इनमें जो है
सॉल्युबिलिटी भी नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ बात क्लियर है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी, इनके कंपाउंड्स थे अल्कलिक मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं लास्ट में, एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम अपने ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी में डिफर है, इसी को हम इसका बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर या प्रॉपर्टी। जैसे लिथियम अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और एक एक्वस मीडियम है रिड्यूसिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर इन एक्वस मीडियम, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होता है। आप देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट होता है। लिथियम ओनली रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड, बाकी मेंबर इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते। लिथियम के क्लोराइड हैं या लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो डिलिक्विसेंट होते हैं, मीन्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से लिथियम क्लोराइड LiCl(2H2O) के फॉर्म में मिलता है। बाकी हैलाइड इस तरह की कोई नेचर शो नहीं करते। अगर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है तो वो एक इम्प्योरिटी के कारण है और वो है MgCl2 की प्रेजेंस के कारण। बाकी NaCl इस तरह का वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल लिक्विड में ही मिलता है। और लिथियम कार्बोनेट एक ऐसा है जिसको हीट करने से ये डिकम्पोज्ड होता है, बाकी किसी का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। ठीक इसी तरह से लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो लिथियम ऑक्साइड बनता है डिकम्पोजिशन में, बाकी के नाइट्रेट आप देख रहे हैं नाइट्राइट बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ही ये डिफर है, और इसका रीजन है लिथियम का स्मॉल साइज होना और हाई पॉलराइजिंग पावर होना। ये दोनों फैक्टर मिलकर लिथियम के कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर डेवलप कर देते हैं, और यही रीजन है कि लिथियम अपने ग्रुप में कुछ डिफर हो जाता है प्रॉपर्टी। और भी देखोगे कि लिथियम जो हैलाइड्स हैं और सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, बट अदर हैलाइड्स जो हैं और सॉल्यूबल इन वाटर। यही एक ऐसा हैलाइड है लिथियम का जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं कोवेलेंट नेचर के कारण, बाकी के जो हैलाइड्स हैं वो वाटर सॉल्यूबल। फिर आता है डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशन रखते हैं। इसका रीजन ये है कि इनके मतलब लिथियम और मैग्नीशियम के आयोनिक पोटेंशियल मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये सेम हो जाता है। और हम जानते हैं कि दो कैटाइन अगर उनके आयनिक पोटेंशियल मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया सेम हो जाए तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ जाए। लाइक यार देखो बोथ मतलब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाते हैं विद नाइट्रोजन, नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, दोनों के सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। दोनों के हैलाइड्स लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डाइलिक्विसेंट है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं LiCl(2H2O) MgCl(2H2O)। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके अलावा कार्बोनेट दोनों के हीट कर दिए जाए तो डिकम्पोज हो जाते हैं। दोनों मेटल हार्ड हैं अपने ग्रुप में, तो इस तरह से ये इनमें प्रॉपर्टी दिखती है जो कि इनमें सिमिलरिटी शो करती है। तो इस तरह से लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशन होता है, और उसका रीजन याद रखना है बच्चों, कहीं पर भी डायगोनल रिलेशन का रीजन पूछ ले तो उसका रीजन है आयनिक पोटेंशियल में सिमिलरिटी आ जाना, ठीक है। और इसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखो एक टिपिकल बॉडी में 70 किलोग्राम का अगर कोई पर्सन है तो लगभग उसकी बॉडी में 90 ग्राम को सोडियम होता है और 170 ग्राम पोटेशियम। सोडियम प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टीशियल फ्लूइड, मतलब ये सेल के बाहर इंटरस्टीशियल फ्लूइड में होता है आउटसाइड ऑफ सेल, और के जो है वो सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन सेल फ्लूइड, समझ गए ना। के प्लस एक्टिव एंजाइम विच पार्टिसिपेट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी। के जो है उन एंजाइम के साथ पार्टिसिपेट करता है जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एटीपी में कर देते हैं। सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम पार्टिसिपेट इन सोडियम पोटेशियम पंप विच इज ऑपरेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसमिट नर्व सिग्नल।
तो ये ऑब्जेक्ट आता रहता है, कौन कौन से आयन है जो सोडियम पोटेशियम पंप में यूज होते हैं, तो वो है Na प्लस और के प्लस। ओके, ये जो सेल के अंदर और बाहर जो इनका ग्रेडियंट होता है, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन लेंथ के साथ होती है वो फिक्स होती है, और जैसे ही सेंसेशन होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिगड़ जाता है और तुरंत एक प्रकार का सिग्नल प्रोड्यूस होता है बॉडी में करंट, और वो एक नर्व सिग्नल की तरह वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस तरह से कुल मिला के ये इनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बाकी बचा है जो कंपाउंड्स ऑफ सोडियम या कंपाउंड्स एल्कली मेटल्स, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने देखा एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ओके,